नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा की अगुवाई में कोरोना के प्रति आम जनता को जागरूक करने हेतु 1090 चौराहे से पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली आम जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करेगी, तो वहीं लोगों से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील भी करेगी। इसी के साथ नए साल के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात को भी यहाँ पुलिस द्वारा समझाया गया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने जो कोरोना के संबंध में आम लखनऊ के आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और इस उद्देश्य के लिए कि कोरोना की भयावहता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, अभी भी हमें अपनी जागरूकता बनाए रखनी है, सतर्कता बनाए रखनी है, कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करना हो, इन सब बातों की जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये मोटरसाइकिल रैली निकाली है। इस रैली का नेतृत्व हमारे ज्वाइंट से भी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, शहर के मुख्य मुख्य भागों से गुजरेगी और जागरूकता फैलाएगी। धन्यवाद। पूजा श्री फाउंडेशन के साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने गरीबों को ठंड से सहयोग दिलाने के लिए पहल की है। तो बता दें कि गोमती नगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब और बेसहारा लोगों को पुलिस द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस दौरान पुलिस के उच्चाधिकारियों की अगुवाई में थाना स्तर के पुलिस कर्मियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा श्री फाउंडेशन व लखनऊ पुलिस की साझा मुहिम से लखनऊ वासियों के बीच पुलिस की छवि दोस्त बनकर निखर आई। ये एनजीओ है पूजा श्री फाउंडेशन। पूजा श्री फाउंडेशन ने हम लोग को ये ऑफर दिया है कि वो गरीबों की सेवा करना चाहते हैं और ठंड के मौसम में जो ऐसे गरीब हैं जो कंबल को अफोर्ड नहीं कर सकते या गर्म कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर इन्हें कंबल का वितरण कराया है। तो मैं तो केवल यहाँ उपस्थित था और मेरा सौभाग्य है कि इनके माध्यम से गरीबों की सेवा करने का अवसर मिला और मैं ये शुभकामना देता हूँ कि यह एनजीओ यह फाउंडेशन आगे भी गरीबों की सेवा ऐसे ही करता रहे। और अब आप सब लोग उपस्थित हैं, यहाँ जनता उपस्थित है नववर्ष के अवसर पर, आप सबको ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। और यह भी सावधानी कि जो कोविड प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क वेयरिंग की या सैनिटाइजर यूज करने की, उन सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग नए वर्ष को ढेर सारे मंगलमय स्वास्थ्यमय हर्षमय वातावरण मनाएं। धन्यवाद। देखिए, अभी तक हम 2000 कंबल हमने मंगाए थे कि वो हम दे पाएंगे, तो एक दिन में संभव नहीं था। तो कमिश्नर साहब के उनकी सोच और विचारधारा के बारे में शायद आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे इन सब कामों के लिए, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारी एक संस्था है पूजा श्री फाउंडेशन, उस संस्था ने ये बस बीड़ा उठाया है आप सबके सहयोग से किसी गरीब तक ये बस पहुंच जाए जो वो ठंड से मरे ना, बच जाए, तो शायद ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मैं उसी में लगा हुआ हूँ। लखनऊ प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार शायद बहुत अच्छा काम कर भी रही है, मैंने अक्सर पेपर्स में देखता रहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, और आप मीडिया बंधुओं को तो बहुत ही बड़ा सहयोग है जो एक एक जगह बात ही पहुँच पा रही है, वरना हम लोग कहाँ ये सब इतनी आसानी से शायद कर पाते। आप ही लोग खबर पहुँचाते हैं कि आज यहाँ पे ऐसा है, तो शायद हमारे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँच पाता है जो किसी को मदद पहुँच जाए, किसी गरीब का कुछ भला हो जाए। बस यही मेरी भावना है और यही मेरी सोच विचार है, जो भी आप समझें। बांदा में 2 जनवरी से 12 जनवरी तक सक्रिय टीबी खोज अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए 160 टीमों का गठन किया गया है। ऐसे में मलिन बस्तियों और घनी आबादी के बीच जाकर लोगों के बीच सर्वे का कार्य होगा। तो जिला क्षय अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप देश को 2025 तक मुक्त कराने के लिए जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। इसके चलते प्रत्येक सदस्य को 150 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे, तो वहीं टीबी की पुष्टि होने पर मरीज को 200 रुपए पुष्टाहार के लिए भी दिए जाएंगे। ये आज रैली निकाली जा रही है, ये रैली का पर्पज वही है, एक्टो केस फाइंडिंग ACF के पर्पज से निकाली गई है रैली। इसमें क्या है कि हमें जागरूकता लाना है रैली के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से। वो भी है जो प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, टीवी हरे का देश जीतेगा, कुल मिला के 2025 तक के लिए ये मान के चला है कि देश से अपने टीवी खत्म हो जाए किसी तरह से, ठीक है ना। उसी के लिए पूरी तरह तरह के प्रोग्राम चलाए गए, जिनमें से एक ACF है। मेन ACF मीन्स एक्टो केस फाइंडिंग। एक्टो केस फाइंडिंग का मतलब ऐसी से जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया है पॉपुलेशन, जहाँ की हमारी डीएमसी मतलब जहाँ पे हमारे LTE वहाँ पे कार्यरत नहीं है, और ऐसे स्थान हैं जहाँ पे शहरी बस्ती में जो मलिन बस्ती है, कमजोर तबके के लोग हैं, वो ये ईंट भट्ठा वाले हैं, वो जगह ली गई है विशेषकर 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में।
इस अभियान के दौरान हमारे जो टीम रहेगी जो अपने मुख्यालय में बनी है, जिसमें से हमारा सुपरवाइजर रहेगा और टीम में 3 लोग रहेंगे जो घर घर जा करके उनके लक्षण पूछेंगे टीबी के। टीबी के मेन लक्षण ये है कि जैसे कि खांसी आना 2 हफ्ते से ज़्यादा, पसीना आना और भूख कम लगना, साथ ही कफ में बलगम आना और वजन कम होना है। ये विशेषकर ये मान के चला गया कि 4-5 लक्षण जो रहेंगे जो पब्लिक की समझदारी में रहेगा वो जा करके देखेगा और देख देख करके टीम जा करके उनके घर में उनका बलगम की जांच लेगी। बलगम का पहला जांच पहले दिन लेंगे, फिर सुबह का बलगम अगले दिन लेगी। वो टीम हमारा जो सुपरवाइजर है वो कलेक्ट कर करके जहाँ भी हमारे ब्लॉक बने हुए हैं, जहाँ भी हमारी DMC है, जहाँ LT का कार्यरत है, वहाँ जा करके उनका बलगम जाँच होगा। सीतापुर के बिजवा की बगहडा गांव में प्रधान द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रधान की मनमर्जी के चलते गायों के खान पान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते यहां सूखा भूसा खाने से गायों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो बता दें कि यहां गौशाला में 200 गायें हैं, तो वहीं मृत हो चुकी गाय को यहां खुले में डलवा दिया जाता है, जिससे उनके शवों से दुर्गंध आती है, तो वहीं शवों को कुत्ते भी नोचते हैं। इसके लिए कई बार ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीतापुर में जहां 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची निबंधन आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, EDM विनय कुमार पाठक के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान नोडल अधिकारी ने कोहरे व ठंड से दृष्टिगत रखते हुए दुर्घटना से बचाव हेतु उपकरण, फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने की बात को भी कहा। इसी के साथ कोरैया गंगादास में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। एंटायर सीतापुर में PCF और PCO से काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक जगह 700 किसान का करीब 3 करोड़ पेंडिंग था पेमेंट के लिए और एक संस्था का करीब 93 लाख पेमेंट था, करीब 300, तो 1000 लोगों का पेमेंट। उसके लिए हमने बातचीत किया है और ये जब तक वो पेमेंट वाले इश्यू सॉर्ट आउट नहीं करेंगे इन किसान भाइयों का मदद नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में हमने दिशा निर्देश भी दिया है। इसमें जनरल प्रॉब्लम वो बता रहे थे कि ज्वाइंट अकाउंट लेके आता है, खाता क्लियर नहीं कोई दूसरा का है, परंतु इसी में ही जल्दी तेजी से करा करके जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए बताया, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग और प्रारूप करने के लिए बताया है और उसका फीडबैक हमने शासन को दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।